अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर में वाहनों में एलपीजी गैस भरने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 3 सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक काटा एवं 3 इलेक्ट्रॉनिक मोटर जब्त की गई हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नागरथ चौक में गुरुकृपा ऑटोमोबाइल के बाजू से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस ऑटो में डालकर अवैध कार्य कर रहा है, जिस पर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश देते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं इस कार्यवाही के दौरान पता चला कि कार्तिक होटल के पीछे रिप्टा में एक व्यक्ति टपरे से घरेलू उपयोग कि एलपीजी गैस सिलेंडर का अनधिकृत भंडारण करके ऑटो एलपीजी गैस रिफिलिंग कर रहा है। वहां भी योजनाबद्ध तरीके से दबिश देते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वैध रूप से लोग घरेलू गैस का भंडारण करके और उससे अमानक पाइप का उपयोग करके ऑटो में गैस भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें कार्रवाई किए हैं, करीब 15 सिलेंडर, दो जगह पे कार्रवाई करने पे 15 सिलेंडर मिले हैं और मशीनें मिली हैं जिनसे प्रयोग करके ऑटो में अवैध रूप से गैस भरा जा रहा था। किन किन स्थानों पे कौन कौन लोग थे? ये कार्तिक होटल के पीछे एक छोटे साहब करके हैं जो गैस भरते थे, उनके पास से 3 सिलेंडर मशीन और जो मान तौलने की इलेक्ट्रॉनिक कांटा है वो जब्त किया है। नागरथ चौक से जो है टिंकू सोनकर के कब्जे से करीब 11 सिलेंडर और मशीनें जब्त हुई हैं। किन किन धाराओं पर कार्रवाई हो सकती है? ये एक्चुअल में ये क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है गैस और उसके साथ ये उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहे थे, इसलिए इनके विरुद्ध 285 IPC और आवश्यक घरेलू वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं इस कारण से इनके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3/7 की धारा का FIR कर रहे हैं।